नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपको नए साल में ब्लॉगिंग के क्षेत्र में बहुत ही सफलता अर्जित कराए। एक रिजोल्यूशन मैंने भी लिया है कि इस बार कम से कम 2000 लोगों को ब्लॉगिंग सिखाऊंगा और ब्लॉगिंग स्टार्ट करवाऊंगा, और इस जर्नी में आप लोगों का साथ मुझे हमेशा मिलता रहे, और हमको उम्मीद है कि 2021 में वैसा ही आप लोगों का साथ हमेशा मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2020 सभी के लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर साबित हुआ है, और वो पॉजिटिव वे में हुआ है या निगेटिव वे में सबको पता है कि सबके वाट लगे हैं। लेकिन अगर किसी का वाट नहीं लगा है वो है डिजिटल मार्केटिंग का। जिन्होंने ब्लॉगिंग किया, जिन्होंने यूट्यूबिंग किया, उनका ऑडियंस जो है वो ग्रो हुआ है। अब ये भी हुआ है कि कुछ ऐड चलना बंद हुए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब जैसे प्रोडक्शन चालू हुआ है सभी के ऐड भी चालू हो गए हैं, गूगल एडसेंस अप्रूवल भी चालू हो गया है। लेकिन ब्लॉगिंग का जो पुराना तरीका था, जो ट्रेडिशनल जो ब्लॉगिंग था, वो 2021 में पूरी तरह चेंज हो गया। क्या क्या चेंजेज हुआ है, किस टॉपिक पे ब्लॉग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्या फ्यूचर होगा 2021 में हिंदी ब्लॉगिंग का, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारा जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी जानकारी होती है, यूनिक जानकारी, हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो मैं आप लोगों तक लेके आऊँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2021 में लगभग 15 करोड़ नए हिंदी ब्लॉग के यूजर जो हैं वो रीडर बढ़े हैं, इंटरनेट का जो एक सर्वे आया है उसमें बताया गया। तो अभी हमारे पास लगभग 45-50 करोड़ ब्लॉग रीडर हैं अवेलेबल। तो दोस्तों ये ह्यूज चेंज है, इतना चेंजेज 10-12 साल में चेंज होता है जितना चेंजेज ये 6 महीने के जो लॉकडाउन है उसमें चेंजेज हुआ है। अब जब ब्लॉगर भी बढ़े हैं, रीडर भी बढ़े हैं, तो अब गूगल उसको कैसे प्रायोरिटी देगा उस पर काम करना ज़्यादा जरूरी है। तो गूगल ने नए अपडेट्स में जो 3-4 अपडेट्स आए हैं उनका सार क्या है, पहला चीज़ ये कि गूगल अब आपके कीवर्ड पे आपको रैंक नहीं करेगा। इन द सेंस कि आपके ब्लॉग पे जो कितना वर्ड आप लिख रहे हैं उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपको रैंक करने के लिए। अब आपको कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट से आपका यूजर कितना सेटिस्फाइड हो रहा है। अब वो कैसे मेजर करेगा गूगल, आपके का जो रीडर है आपके ब्लॉग पे आया, उसने उसे टाइम दिया, टाइम देने रीड पे ध्यान दिया, ज़्यादा रीड किया उसको, दूसरे ब्लॉग पे गया, आपके तीसरे ब्लॉग पे गया, आपको सब्सक्राइब किया, अगला आपने ब्लॉग पोस्ट डाला उस पर भी वो आया, रिपीटेटिव जो आपका ट्रैफिक है अब गूगल उसके बेसिस पे आपको रैंक करने वाला है। मतलब जो ट्रैफिक आपके पास पलट के आ रहा है उसी पे आपको गूगल रैंक करेगा। तो जो लोग पेड प्रमोशन करवा के अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक ले लेते थे और कहते थे कि मेरा बहुत पॉपुलर ब्लॉग है और ऐसे आकर के वो यूट्यूब पे आकर के अपना अर्निंग दिखाते थे, उन लोगों का दुकान बंद होने वाला है। पेड ट्रैफिक, पेड बैकलिंक दोनों का कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। बैकलिंक अगर आप खरीदते हो, परचेज करते हो किसी गलत शॉर्ट जगह से, अगर आप परचेज कर लेते हो, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड बने हुए हैं जो बैकलिंक्स के देने के नाम पे बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं और थर्ड ग्रेड बैकलिंक देते हैं, तो वो बैकलिंक आपके लिए बहुत ही गलत ही साबित होगा, आपका डोमेन भी हो सकता है ब्लॉक हो जाए। गलत साइट से बैकलिंक लेने का मतलब है आप उसके लेवल पे आ जाइएगा। तो 2021 में वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा कि जिसका ज़्यादा बैकलिंक्स है उसका ब्लॉग रैंक करेगा, अब जिसका क्वालिटी बैकलिंक्स है उसी का ब्लॉग रैंक करेगा। तो दो मिथ खत्म हो गया, एक वर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा आपका जो बैकलिंक्स, चौथा डोमेन। अब गूगल डोमेन माइक्रो नीच का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमेशा उस काम करेगा, लेकिन अब आपका कीवर्ड से भी ज़्यादा ये है कि आपका ब्लॉग का जो थीम है वो उससे ज़्यादा, डोमेन से ज़्यादा आपका ब्लॉग का थीम आपके लिए कैपेटेबल है कि नहीं है। अगर आप गलत थीम चूज करते हो आपका डोमेन कितना भी अच्छा होगा आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि अब गूगल उसी थीम को प्रेफरेंस देगा जो मोबाइल फ्रेंडली हो, जो डेस्कटॉप वर्जन में भी अच्छा से खुले, जिसका लोड स्पीड ज़्यादा हो, कम कलर का यूज करोगे ब्लॉग का स्पीड ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस मोबाइल फ्रेंडली आपको थीम चूज करना ज़्यादा जरूरी है। डोमेन आप कोई भी ले लेते हो वो भी नहीं चलेगा, आपको डोमेन भी चूज करना है अच्छे ढंग से ही, कीवर्ड रिसर्च करके अच्छे से डोमेन ही चूज करना है। लेकिन अब डोमेन पे भी आपका डिपेंड ज़्यादा ब्लॉग नहीं करेगा,
आपका थीम पे ज्यादा डिपेंड करेगा, तो आपको थीम पे ज्यादा काम करना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया कि डोमेन लेने के बाद वो निश्चिंत हो जाते थे, वो सारा चीज अब नहीं बंद होगा। सोशल मीडिया प्रमोशन आप जितना कर सकते हो करो, आपके ट्रैफिक अगर आपके पास आ रहा है लेकिन रिलेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही ट्रैफिक सर्च करो। अब अपना शायरी का ब्लॉग किसी बिजनेस पेज पे आप शेयर करोगे तो उसमें रीडर बढ़ेगा नहीं, रीडर अगर आएगा भी चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है कि आप कहीं से भी आप ट्रैफिक ले रहे थे, व्यू बढ़ जाता था, इंप्रेशन बढ़ जाता था, रीडर नहीं बढ़ता था, आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा ज्यादा। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और कम रीड होगा ब्लॉग, उतना कम रैंक करेगा। और एक बात, बहुत सारे लोग जो उसका हेडलाइन देते थे, हेडिंग देते थे, वो कुछ देते थे और उसके अंदर कुछ डालते थे। तो वो होता था क्या कि अगर आप कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है उसको इतना बड़ा करके दिखा दिया जाता था और जब रीडर पढ़ने जाता था उसे डिसअपॉइंटमेंट होती थी। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कंटेंट को रीड करेगा। अगर किसी यूजर ने उसको उस पर गलत कमेंट किया या कुछ ऐसा कमेंट किया जिससे पता चले कि वो एप्रोप्रिएट नहीं है कंटेंट, गूगल उस पर एक्शन लेगा और आपका ब्लॉग भी डैमेज हो सकता है। तो क्लिक बिक जो है, जो आप करते थे जो, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ब्लॉगिंग में अगर आपका कंटेंट जिस टाइप का है आप एक्चुअल जानकारी दीजिए, जितना सिंपल में जानकारी दे सकते हैं उतना सिंपल जानकारी दीजिए, कीवर्ड से खेलने का जरूरत नहीं है। इंटरनल लिंकिंग कीजिए, बैकलिंक भी अच्छे जगह से लीजिए। बैकलिंक आपको अगर नहीं हो रहा है तो इंटरनल लिंक से ही काम चलाइए, लेकिन गलत जगह से बैकलिंक मत लीजिए। और 2021 में ब्लॉगिंग करना है तो, और दोस्तों ये सारे चीज पे अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली 2021 ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा साल साबित होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। और ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन में मैंने अपना नंबर दिया है, वहाँ पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। रियली अप्रिसिएट योर टाइम, थैंक यू, धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।